और कम हो जाता है, मतलब ये समझ लो कि आप आराम आराम से पैदल जा सकते हैं, लेकिन बाउंडेशन है, आप नहीं जा सकते। कभी आप सोच रहे हो कि आप उस पार हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करना, पानी ज़रूर कम हो जाएगा लेकिन जाना नहीं है, बस यहाँ तक आ सकते हैं आप लोग वीडियोग्राफी वगैरह करने के लिए, क्योंकि पीछे पाकिस्तान है, इधर अपनी इंडियन आर्मी बैठी हुई है, उधर उनकी आर्मी बैठी हुई है, तो ये गलती कभी मत करना। सो भाई लोगों, यहाँ से कराची है 1755 किलोमीटर, लाहौर है 740 किलोमीटर, और ये है देसवर 474 किलोमीटर, और रावलपिंडी है यहाँ से 400। सो भाई लोगों, जस्ट ये रोड और एक ये रिवर, बस ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दूरी, और यहीं से पाकिस्तान देखो साफ दिखता है, जस्ट 50 या 100 मीटर की दूरी पर होगा। देखो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये छोटा सा, ये इंडिया है, और ये नदी, और इस पार आते हैं ना, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला, ये पूरा पाकिस्तान है। हो गया ना, ये पाकिस्तान से हो और ये हमारी वीडियो बना रहे हैं, देखो ये रे, देख रहे हो सामने से वीडियो बना रहे हैं हम लोगों की। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। कल आपने देखा था हम लोग आ चुके थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर केरन, और आज हम हैं केरन में, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे केरन को। और जो मेरे पीछे की जो प्रॉपर्टी है, ये वाली, यहीं पर हम लोगों ने रात स्टे किया था। आपको रात मैंने दिखाया भी था कि हम लोगों को रात स्टे नहीं मिल रहा था, तो इंडियन आर्मी ने इनको कॉल किया और इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर स्टे दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पर, बहुत जल्दी ही सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर स्टे वगैरह नहीं मिलता अगर आप लेट आ रहे हैं। लेकिन आर्मी इतनी हेल्पफुल है और यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं ना, तो यहाँ पर हमें रूम मिल गया और यहीं पर खाना पीना हो गया। और इन भैया को देख रहे हो, ये वाले, मैं इन्हें तकरीबन 2 घंटे से देख रहा हूँ ऐसे ही ये सामान ढोते हुए। भैया थकते नहीं हो आप? अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, ये रही चाय और ये रहे पराठे, ये दो ही नहीं पराठे चाह रहे हैं। और सामने है पाकिस्तान, यहाँ से ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग है। तो दोस्तों, ये जो नदी है और यहाँ से पार करते ही ये जो पूरी बस्ती है ना, ये है केरन पाकिस्तान, और ये जो ऊपर की वैली है, ये है पूरी नीलम, जो कोई बैरिकेड ना ही कुछ, ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जहाँ पर हम लोग रुके हैं वो प्रॉपर्टी है ये, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये छोटा सा, ये इंडिया है, और ये नदी, और इस पार आते हैं ना, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला, ये पूरा पाकिस्तान है। ये बंदा आ रहा है ना, ये कम से कम अभी अभी में कम से कम 10वां चक्कर लगा रहे हैं, और कंधे पर इन्होंने देखो लकड़ी टांगी हुई है, ये देखो कम से कम मेरे सामने ये 10वां चक्कर है इनका, कितनी मेहनत है यहाँ पर देख रहे हो, रहने की मेहनत है यहाँ पर। एक गाड़ी चल रही है ना, ये पाकिस्तान में चल रही है, हमारे यहाँ जैसे छोटा हाथी होता है ना उस तरह का कुछ ही है, ये देखो। जस्ट एक नदी का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। सो भाई लोगों, जस्ट ये रोड और एक ये रिवर, बस ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दूरी, और यहीं से पाकिस्तान देखो साफ दिखता है, जस्ट 50 या 100 मीटर की दूरी पर होगा।
देखिए ये जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान से हैं और ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। देखो ये रे, देख रहे हो सामने से वीडियो बना रहे हैं हम लोगों की। साफ देख सकते हो वहाँ पर, देखो पाकिस्तान का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। और ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं ना, सारे पाकिस्तान के। ये रहा पाकिस्तान फ्लैग, ये रहा और वो रहा पाकिस्तान फ्लैग। यार बहुत सारे फ्लैग लगाए हुए हैं इन लोगों ने। ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है पाकिस्तान की तरफ से। तो भाई लोगों, अपने आकिब भाई कुछ बताना चाह रहे थे। आकिब भाई क्या बता रहे थे? नदी कुछ साइड पाकिस्तान, इस साइड इंडिया है। बिल्कुल, ये जो नदी है, ये बोल रहे हैं कि उस साइड पाकिस्तान है और इस साइड है इंडिया। जस्ट एक नदी, एक रिवर का गैप है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर हम पीछे जाएंगे तो और भी क्लोज है, और अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो उधर से और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है ये दोनों एरिया। और जो अपना अभी मैंने आकिब भाई से बात की, आकिब भाई बता रहे हैं कि आधा कैरान इधर है और आधा कैरान है पाकिस्तान में। तो उधर भी टूरिस्ट प्लेस होता है और इधर भी टूरिस्ट प्लेस होता है। मतलब आप ये देख रहे हो ना, ये पीछे सारे ये सब रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो टूरिस्ट के लिए वहाँ पर हैं। हो सकता है अभी भी वहाँ टूरिस्ट आए हुए हों, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट अभी बहुत कम है क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऊपर कितनी ज़्यादा स्नो हो रखी थी, इसलिए टूरिस्ट यहाँ पर अभी बहुत कम आ रहा है। आ रहा है टूरिस्ट यहाँ पर? कम ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा ना, बहुत कम आ रहा है, स्नो बहुत ज़्यादा है ऊपर। और भाई लोगों, वहाँ पर है पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल लास्ट में पोस्ट ऑफिस है और वहीं पर ना सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। अब वहीं पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो भाई लोगों, अभी हम लोग हैं लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया यानी कैरान में, और यहाँ पर मिले हैं अपने तोफेल भाई। यहाँ का कल्चर, रहना खाना पीना, ये बताएंगे तोफेल भाई अपने मुँह से। जी, यहाँ का जो कल्चर है ये आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे रहिए, लोगों के घर में होम स्टे कीजिए, और जैसे आप यहाँ पे रहे तो आपने खाना पीना देखा होगा, उठना बैठना देखा होगा, कैसा कल्चर है, मेहमान नवाजी तो एक नंबर। और यहाँ की ये बताता चलूँ मैं आपको कि यहाँ की ज़मीन जो है ये काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ सबके हमें अपने फ्रूट्स निकलते हैं, जैसे मक्की हो और नाशपाती हो, सेब हो, और भी हम लोग काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट का क्या सीन है, मतलब टूरिस्ट कितना आता है यहाँ पर? टूरिस्ट यहाँ पे समर में, अभी तो हमारा 9000 फीट जो आपने देखा होगा रास्ते में बर्फ़ पड़ जाती है, तो साथ साथ में उठाते हैं, लेकिन उस फीट उस पे ना मैं हम लोग 5 बार कल गिरे हैं। मतलब ये समझ लीजिए, स्नो इतनी ज़्यादा थी कि मैं 5 बार गिरा और अपने मोहित भाई 2-3 बार गिरे। बहुत हमारी बाइक क्रैश हुई है, टूट भी गई है। आप बाइक से आए हुए हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप बाइक से आए। हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग बाइक से कैरान आ गए, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा इसमें हो रखी है। जी काफ़ी ज़्यादा फिसलन है रास्ते में। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ तो टूरिस्ट ना एक इसी साल खुला है ना, एक साल हाँ, इसी साल, इस साल तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, बाहर के भी आए हैं, अपने लोकल भी आते थे। अच्छा, लोकल भी आते हैं और बाहर के भी आते। अच्छा, और ये बराबर में पाकिस्तान है ना? जी हाँ। यहाँ से बातचीत हो जाती है आप लोगों? जी हाँ, बातचीत हो जाती है, हाय हेलो करो। तो समर में जैसे हम करते थे तो काफ़ी सारे टूरिस्ट होते थे दोनों साइड से, बहुत ही क्राउड ही होता था शाम के टाइम। अपना एक ही हाय हेलो सलाम दुआ ये लोग कर लेते थे इधर से उधर। ये सारे देखने के हैं, यहाँ ऊपर है चटियाल डूंगा बोलते हैं वहाँ पे, सफ़ेद पत्थर है, फिर यहाँ से वो नाग बाबा बोलते हैं, वहाँ पे सांप निकलते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने का। और आप नीचे देख सकते हैं, आपको मतलब सेकंड लार्जेस्ट पीक आपको दिख रही है, K2 इसका नाम है, K2 पीक है वो जो ऊपर है ना, ये K2 पीक है। और इससे नीचे जो ये जितने भी यहाँ पर ये सोसाइटी आप लोग देख रहे हैं, ये है नीलम वैली, जो कि रात में इतनी अच्छी चमक रही थी। यार रात में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, बस ध्यान ही नहीं रहा, पूरे चमक रही थी ये चीज़। सही है, इसकी मदहोश हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। सही सही, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में रात ना हम लोग डर गए थे क्योंकि हमें रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, और पता हमें आर्मी वालों ने बोला कि यहाँ पे चीते हैं तो आराम से जाना। सही बताया है। तो इसलिए बस मन में ऐसा ही था कि यार बस किसी तरह कैरान पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। यहाँ पर आके तो देखा सब कुछ बंद, फिर स्नोफॉल जब होती है तो चीता आते हैं। फिर इनके आगे भाई के जो वालिद साहब हैं ये मिले, इन्होंने हम लोग अपने घर लेके गए वहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने हमारा मेहमान नवाजी की। जी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। जैसे अगर कोई टूरिस्ट आएगा यहाँ पे, किसी के पास कैश नहीं भी होगा तो यहाँ वो टेंशन मारधाड़ वाली कोई बात नहीं होती है, जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे तोफेल भाई। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं कभी। सो भाई लोगों, इंडिया के लास्ट पोस्ट ऑफिस पर मैं कर रहा हूँ अपने घर पोस्ट, क्योंकि यार नेटवर्क नहीं आ रहे, तो घर पर
बोल देता हूँ कि हम लोग सही सलामत हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, नेटवर्क आते हैं कॉल भी होती है, फिर भी मैं घर पर भेज रहा हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है अपना पोस्ट करने के लिए लिफाफा, और यहाँ से कर रहा हूँ अपने घर के लिए पोस्ट। फाइनली कर दिया है, अब देखते हैं घर कब पहुँचेगा। वैसे क्या है, नॉर्मल तो आई थिंक 10-12 दिन में पहुँच जाना चाहिए। जैसे स्पीति में किया था, स्पीति वाला भी आ गया था और ये वाला भी, देखते हैं कब तक आएगा। सो भाई लोगों, यहाँ से कराची है 1755 किलोमीटर, लाहौर है 740 किलोमीटर, और ये है देसवर 474 किलोमीटर, और रावलपिंडी है यहाँ से 408, इस्लामाबाद है 407, और ये है मोरी, ये है 308, मुजफ्फराबाद है 245, और ये है अबोटाबाद 279, यानी 279 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी डिटेल्स कि यहाँ से पाकिस्तान की जो सिटी है, यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ती है, वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है जो कि मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ से दिल्ली है 930, जयपुर है 1171, आगरा है 1186, और गांधीनगर है यहाँ से 1821, अपना मुंबई है 230, हैदराबाद है 2526, इम्फाल है 3331, चेन्नई 3152, पोर्ट ब्लेयर 4570 किलोमीटर। तो मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पर पाकिस्तान की सिटीज़ यहाँ से कितने दूर हैं किलोमीटर में, और यहाँ पर है अपनी इंडिया की सिटीज़, यहाँ से इंडिया की सिटीज़ कितनी ज़्यादा दूर किलोमीटर है। सो भाई लोगों, लास्ट पोस्ट ऑफिस के बाद हम लोग आ चुके हैं नदी के बिल्कुल किनारे। आगे भाई और मैं दोनों घूम रहे हैं साथ में, और यहाँ पर बिल्कुल नदी के किनारे आ चुके हैं। इसके बाद अब कोई भी रास्ता नहीं बचा कि हम लोग आगे जा पाए, क्योंकि बीच में आ जाता है पानी और पीछे है अपना पाकिस्तान। आखिर भाई क्या कहना चाहोगे अब आप? यहाँ से पानी और कम हो जाता है, मतलब ये समझ लो कि आप आराम से पैदल जा सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन है, आप नहीं जा सकते। कभी आप सोच रहे हो कि आप उस पार हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करना, पानी ज़रूर कम हो जाएगा लेकिन जाना नहीं है, बस यहाँ तक आ सकते हैं आप लोग वीडियोग्राफी वगैरह करने के लिए, क्योंकि पीछे पाकिस्तान है, इधर अपनी इंडियन आर्मी बैठी हुई है, उधर उनकी आर्मी बैठी हुई है, तो ये गलती कभी मत करना। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैं आगे भाई की आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, और ये पता NCC के कैंडिडेट भी हैं। आपको कितने साल हो गए? सेकेंड ईयर हो गया इनको। देख लो यहाँ के लोग कितनी मेहनत करते हैं, मतलब यहाँ का कल्चर इतना अच्छा, लोग इतने हेल्पफुल, आर्मी इतनी हेल्पफुल, पुलिस इतनी हेल्पफुल, और ये लोग भी इतनी मेहनत करते हैं ना यहाँ पर हर चीज़ के लिए यार, बस इन लोगों का सैल्यूट है यार। आजिफ भाई दोबारा से यार।